Hello students, how are you? I hope you are well. But the world is suffering from coronavirus. लेकिन दुनिया क्या है अभी सही नहीं है. तो खैर ये सब दुनिया की बातों को छोड़ते हैं, आते हैं हम लोग पोएम पे. ठीक है, एक पोएम है जिसका नाम आपको आगे चल के पता चल जाएगा उस पोएम का नाम क्या है. और ये पोएम का नाम आपको खैर बता ही देते हैं, कैरोलिन वेल्स की लिखी गई है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है, क्लास 10 के बच्चों के लिए है ये. तो पोएम पढ़ने से पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, कैरोलिन वेल्स वॉज एन अमेरिकन ऑथर एंड पोइट. सी वॉज द डॉटर ऑफ विलियम ई एंड हैना वेल्स. कैरोलिन वेल्स कहाँ के रहने वाली थी, एक अमेरिकन ऑथर थी एंड पोइट थी. वो किसकी बेटी थी, उसके फादर का नाम था विलियम ई एंड एना वेल्स. एंड सी इज राइटर ऑफ पोएम्स, मिस्ट्री, चिल्ड्रंस लिटरेचर, पैरोडीज एंड अदर ह्यूमरस पीसेस. वो जो राइटर थी, किस पोएम किस टाइप में लिखा करती थी, मिस्ट्रीज का पोएम लिखा करती थी, बच्चों के लिए लिखा करती थी. ठीक है, बच्चों का लिटरेचर, पैरोडीज लिखा करती थी और ह्यूमरस पीसेस लिखा करती थी. ह्यूमरस मीन्स जिसमें जैसे ये पोएम पढ़ने वाले हैं ये भी अंदाज में ह्यूमरस अंदाज में लिखा गया है. ठीक है, तो इसकी पैदाइश हुई थी 18 जून 1862 में. एंड कहाँ हुई थी, रॉवे, जो कि न्यू जर्सी में है. और न्यू जर्सी कहाँ पे है, आपका यूनाइटेड स्टेट्स. अगर आपको न्यू जर्सी आप लोग गए होंगे या फिर नहीं गए होंगे तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं या मैप, वर्ल्ड मैप खरीद सकते हैं. ठीक है, वर्ल्ड मैप खरीदना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है. एंड डाइड मार्च 26, 1942. और इसकी मौत कब हो गई थी, यह दुनिया से विदा कब ले गए थे, 26 मार्च 1942 को. तो आते हैं पोएम से शुरू करते हैं. ओके, तो पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. जैसा कि आपको मालूम ही होगा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट इफ ही रोल्स एट यू एज यू आर डाइंग. यहाँ पे जी को खा लिया गया, ये डाइंग में लिखा गया क्योंकि यहाँ पे राइम स्कीम को मिलाने के लिए. ठीक है, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ह्यूमरस अंदाज में तो ये लिखा हुआ है. ठीक है, पोएम है यहाँ पे. जैसे कि इस लाइन में क्या बताया गया है, अगर आप कभी बाय चांस है या फिर गलती से या फिर आप जंगल चले जाते हैं. ठीक है, कौन से जंगल, वो भी ईस्ट के जंगल अब चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं, आपको पहले से आपको ये बात मालूम होनी चाहिए. देयर शुड यू टू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट है कि वहाँ पे क्या रहता है, एक है टॉनी बीस्ट रहा करता है. टॉनी मीन्स क्या होता है, येलोइश ब्राउन कलर. टॉनी मीन्स क्या होता है आपका, येलोइश ब्राउन कलर का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉनी कहते हैं. एक टॉनी बीस्ट मिलेगा, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, जैसे ही वो तुम पे दहाड़ेगा तो ऐसा लगेगा कि तुम मर ही जा रहे हो. अब यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए ये कौन सा जानवर का नाम है, ये एशियन लायन है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एशियन लायन को. अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्टैंजा पे. नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया गया आपका, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है डिशन. डिशन का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना. क्या करना होता है, रिकॉग्नाइज करना. रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना. तो पोयम देखते हैं हम लोग.
और इफ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग अराउंड, ठीक है, अगर आप कहीं भटक रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, ग्रीट करेगा, मतलब दावत आम में बुलाएंगे कौन, एक बीस्ट है जिसकी पहचान तो आगे चल के होगी, इसको क्या बोला गया, नोबल वाइल्ड बीस्ट है, आपको बुलाएंगे विद ब्लैक स्ट्राइप्स है, और उसके बॉडी में क्या रहेगा, ये ब्लैक स्ट्राइप्स रहेगा, ये जो आप देख रहे हैं दाग ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स रहेगा ऑन अ येलोइश ग्राउंड है, ठीक है, और कौन से ग्राउंड पे, येलोइश ग्राउंड पे है, यानी यहाँ पे क्या बोला गया, एक तरफ से मतलब उसके बॉडी पूरा येलो टाइप में रहेगा और उसके बॉडी में क्या रहेगा आपका, ब्लैक स्ट्राइप्स रहेगा, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है, अगर वो तुम्हें खा लेगा, अगर तुम्हें वो खाता है, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, तो अगर आप उसे तुम अगर तुम्हें वो खा लेता है तो एक सिंपल सा रूल है, तुम पहचान जाओगे, ठीक है, एक सिंपल सा रूल है जानने का कि दिस है द बंगाल टाइगर टू डिसर्न है, तो ये आपको पहचान लेना होगा, ये कौन सी टाइगर है, बंगाल टाइगर है, ठीक है, अगर आपको खा लेता है तो मरने से पहले भी ये क्या करना है, आपको पहचान लेना है, ठीक है, कि ये बंगाल टाइगर है, हम मरने से पहले जानवर के मतलब पहचान अच्छे से कर रहे हैं, तो ये ह्यूमरस अंदाज में लिखा हुआ, आप में हंसी भी होगा और एक तरफ से क्या हुआ, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इफ स्ट्रॉलिंग, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peopled as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard, you will know it is the leopard, यहाँ पे ईट को ये लिखा गया है, ईट है, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में क्या किया गया है उसको, मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है इसको ईट बोला जाएगा, ठीक है, यानी आई को छोड़ दिया गया, इट विल टिविल टिविल इसको पढ़ेंगे, टि विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन हील, इट इज़ कॉल्ड हिल हिल ओनली लेप एंड लेप लेप गेन, तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, जैसे कि इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिया गया, फोर्थ, फोर्थ का मतलब क्या होगा, आगे बढ़ना, ठीक है, स्ट्रॉलिंग मतलब क्या हो जाएगा आपका, वॉकिंग कैजुअली, जब आप आम तौर पे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हुए कहाँ पे पहुँच जाते हैं, स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, आप कहीं पे चल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या नज़र आता है आपको, एक एक कोई बीस्ट नज़र आ जाते हैं, तो हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और जिसकी हाइड, यहाँ पे हाइड क्या दिया गया है, यहाँ पे स्किन को बोला गया है, इसके बॉडी के स्किन को बोला गया है, ठीक है, लेपर्ड के स्किन को बोला गया है हाइड, ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, हाइड मतलब छुपना नहीं होता, हाइड मतलब छुपना भी होता, लेकिन यहाँ पे हाइड क्या बोला गया, स्किन ऑफ एनिमल, यहाँ पे उसकी स्किन पे क्या रहेगा, स्पॉट कलर रहेगा, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पॉट स्पॉट कलर का बना हुआ ब्लैक है, वो नज़र आ जाएगा आपको, एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, जैसे ही वो तुम पे छलांग मारेगा, जैसे ही तुम्हारे पर लपकेगा, ठीक है, लपकना एक तरफ से, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आपको ये मालूम पता चल जाना चाहिए कि क्या है ये, एक लेपर्ड ही होगा, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ठीक है, और ये दर्द से कराहता नहीं है, ही विल ओनली लेप एंड लेप एंड लेप गेन, ठीक है, ये जंप मारेगा और काम साफ कर देगा, काम तमाम कर देगा, कौन करेगा, जाहिर सी बात है जब ये लेपर्ड होगा, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए इस जानवर को भी क्या कहते हैं हम लोग, लेपर्ड कहा जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड्स यू मीट अ क्रीचर देयर, इसे क्रिएचर नहीं क्रीचर पढ़ा जाता है, creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear, if you have any doubts I guess he'll give you just one more kiss, तो यहाँ पे इस स्टैंजा में क्या बताया गया है आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इस स्टैंजा में जो बताया गया है, ठीक है, जैसे कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब ये जैसे एक तरफ से जंगल को ही लिया जा रहा है, जंगल को क्या किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, क्योंकि भालू आपको बियर तो आसपास तो कहीं मिलेगा नहीं घर के बगल में, ठीक है, तो अगर आप कहीं चलते हुए भटकते हुए किसी जंगल या किसी यार्ड में पहुँच जाते हैं,
ठीक है, इसको फॉरेस्ट लिया गया। अब आप मिलते हैं एक क्रीचर से, वहाँ पे किससे मिलते हैं आप, एक जानवर से मिलते हैं, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको गले लगा लेता है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही जोरों शोर से। गले लगाना मतलब क्या होगा, भालू क्या करेगा आपको गले लगा करेगा, क्या करेगा, ईद का मुबारकबाद नहीं देगा, ठीक है, वो क्या करेगा, या फिर होली का मुबारकबाद नहीं देगा, वो आपकी मौत को घाट को उतार देगा, वो ऐसा हक करता है। तो हु हग यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ वेयर, अगर तुम्हें क्या करेगा वेरी और वेरी हार्ड अगर हग करता है तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये क्या है, बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स है आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स है। तो यहाँ पे केयरस का एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जेंटल टच, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस है। अगर आपको कोई शक है इसमें तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस है, तो मुझे क्या वो आपको दिखा देगा, एक जेंटल सा टच भी देगा, ठीक है। जेंटल सा टच मतलब क्या होगा, वो अपने जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं भालू के हाथों में क्या रहता, नाखून रहता बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, जेंसल से वो टच मारेगा तो क्या होगा, आपके बॉडी में खरोच आएगा, जिससे क्या निकलने लगेगा, ब्लड निकलने लगेगा। तो यहाँ पे राइटर क्या किया, एक तरफ से ये टच तो है लेकिन कैसा है, ये केयरेस है, आपको केयर करेगा, बल्कि ऐसा केयर करेगा कि आपके बॉडी को पूरा स्क्रैच कर देगा और आप क्या करेंगे, दर्द से पूरा चीखने और चिल्लाने लगेंगे। तो नेक्स्ट पे आते हैं एंड लास्ट स्टैंजा इज दैट, यहाँ पे आपके सामने पिक्चर भी बना गया है, कौन सा एनिमल है यहाँ पे, दाउ टू डिस्टिंगाइस बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू आर ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस हाइना कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे विप देयर क्रोकोडाइल। तो इस स्टैंजा में क्या बताया गया है, पहला तो डिस्टिंगाइस मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना, फ़र्क निकालना, ठीक है। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं क्वेश्चन में डिस्टिंगाइस बिटवीन टू पर्सन या डिस्टिंगाइस बिटवीन, डिफ्रेंशिएट करना। अब बीस्ट ऑफ प्रे किसको बोला जाता है, एक और वर्ड दिया गया है बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या होता है, बीस्ट ऑफ प्रे द मीनिंग ऑफ द बीस्ट ऑफ प्रे दैट एनी एनिमल्स दैट हॉर्न्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बीस्ट ऑफ प्रे कहते हैं। कोई जानवर क्या करता है, दूसरे जानवर को शिकार करता है, इसके लिए वो भी खाने के लिए, सिर्फ भोजन के लिए है, ठीक है, क्योंकि भोजन ही के लिए हम लोग क्या करते हैं, लड़ते हैं। सारे जानवर ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक ही जानवर है, एक तरह का वो भी जानवर है, ऐसा जानवर है कि कोई भी जानवर उसे बच नहीं पाता है। तो ह्यूमन बींग्स क्या कहलाएगा, एक तरह से बीस्ट ऑफ प्रे कहलाएगा। खैर यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं या नहीं भी, तो अनवाइस माइट नॉन प्लस, नवाइस मीन्स क्या हो गया आपका, जो नया खिलाड़ी होता है, ठीक है, अभी नया नया फील्ड में उतरता है उसे नवाइस कहा जाता है, जो समवन न्यू टू अ जॉब है। और नॉन प्लस मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है, पजल हो जाना। तो यहाँ पे बताया गया आप लोगों को दाउ टू डिस्टिंग्वाइज बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, जैसे ही आप फ़र्क करेंगे किसके बीस्ट ऑफ प्रे के बीच में, मतलब यहाँ पे हाइना को लिया गया और किसको लिया गया, क्रोकोडाइल को लिया गया, इसलिए यहाँ पे डिस्टिंग्वाइज बोला गया। अनवाइस माइट नॉन प्लस, ठीक है, अगर आप जानवरों को मतलब आप नया हैं, ठीक है, आप माहिर नहीं हैं इस खिलाड़ी में, नौशिखिया हैं, तो आप इस पर क्या करेंगे, आप आपका दिमाग घूम जाएगा, ये क्या हो रहा है जानवरों में। द क्रोकोडाइल यू विल ऑलवेज मिटेल फ्रॉम द हाइना दस, ठीक है, आप क्रोकोडाइल को क्या कहेंगे, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, वो ऐसा कहेंगे कि लगता है हाइना और फिर क्रोकोडाइल लगता है दोनों सेम है एक तरीके से, कैसे है, हाइना कम्स विद मेरी स्माइल्स है, ठीक है, हाइना जब ऐसा हंसता है तो लगता है क्या कर रहा है वो, एक तरफ से रो रहा है, ठीक है, वो मतलब इंसान के सॉरी, ये जब काफी ये जब क्या करता है, एक तरफ से आपका जब हंसता है तो क्या करता है, लगता है मतलब एक इंसान की तरह आवाज़ निकलता है इसका हाइना का, ठीक है, तो मेरी स्मेल्स निकलता है। तो अब क्या होता है, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर कोई रोग है जैसे तो ऐसा लगेगा क्या कर रहा है क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल क्या आप क्रोकोडाइल तो मतलब क्या करता है, बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू की तरह मत रो, मगरमच्छ के आंसू की तरह नहीं रोना है,
तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे वीप है, दे आर क्रोकोडाइल, ऐसा रोते हैं जैसे वो क्या है, बट इफ दे वीप है, अगर वो लोग रोंगे, वैसे जानवर अगर रोते हैं तो क्या कर पहचान लेना है, समझ जाना है कि वो क्रोकोडाइल है। अगर हाइना क्या करता है, वो मेरी स्माइल देता है, ठीक है। हाइना कैसे आएगा, वो पूरा मेरी स्माइल की तरह, जो कैसा लगता है, पूरा इंसान की तरह लगता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जानवरों को पहचान सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, राइटर ने हमें इस तरीके से बताया है। अब नेक्स्ट स्टैंजा, सॉरी एक और स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा। द ट्रू शमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज द शमेलियन यू सी। तो यहाँ पे इस स्टैंजा में क्या बता रहे हैं, पॉइंट क्या बता रही है, ठीक है। द ट्रू शमेलियन इज स्मॉल, जो ट्रू शमेलियन होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं हकीकत में। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स है, किसके तरह होते हैं, एक लिजर्ड भी तरह, लिजर्ड की तरह। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और शमेलियन का क्या होता है, कोई भी कान नहीं होता है, ईयर्स उसका नहीं होता है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसका सिंगल विंग भी नहीं होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में दिया गया, इसका विंग भी नहीं है। जैसे किसी बर्ड्स का क्या होता है, विंग होता है, लेकिन इसका एक भी विंग नहीं होता है, और ना ही तो ईयर हुआ करती है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर समझ जाइए ट्री पे कुछ नहीं है, तो इट इज़ द चैमेलियन यू सी, ठीक है। तो वहाँ पे कौन होगा, चैमेलियन होगा, जिसको आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो अगर आप कहीं जंगल में जाते हैं या फॉरेस्ट में जाते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी जानवरों को क्या कर सकते हैं, पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो ये ह्यूमरस स्टाइल में लिखा गया है इस। तो लास्ट का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइम स्कीम क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट का क्या हो रहा है आपका, तो स्मॉल हो जाएगा आपका, स्मॉल का ए बी एंड ए, तो राइम स्कीम क्या हो रहा है, ए बी ए हो जाएगा, और थिंग एंड विंग आपका मिल रहा, ठीक है। और ट्री किससे मैच खा रहा, ट्री क्या कर रहा, किसी से मैच नहीं खा रहा, आपको ऐसा लग रहा है किसी से मैच खा रहा नहीं, तो ट्री और सी क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ए बी सी सी। तो ये राइम स्कीम था, ये लास्ट का बता दिए हैं, ठीक है। और उम्मीद है आपको सारा चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इट इज़ क्लियर, ये आप लोगों के सारा क्लियर हो गया। तो पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पोयम में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से पोइट क्या कर रहे हैं, ह्यूमरस अंदाज में हमें बताना चाह रहे हैं। तो बस इसे यहीं तक छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।